हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं SIP या फिर म्यूचुअल फंड में आपने पैसा निवेश कर दिया है और ऐसे में आपको लॉस देखने को मिल गया है। तो यहाँ पर आप जानते हैं कि शेयर बाजार है वो डाउन जा रहा है लगातार, ठीक है। पर यहाँ पर कुछ दिन ऐसा हो देखने को मिलता है शेयर बाजार उठ जाता है, ठीक है। तो जैसे कि आज आप देख सकते हैं जो कि 20 नवंबर है, तो आप यहाँ पर देख पा रहे हैं फिलहाल तो आज शेयर बाजार बंद है, पर यहाँ पर जो कि 19 नवंबर को जो हुआ था वो आप यहां पर देख सकते हैं शेयर बाजार में उछाल देखने को हमें मिला है, ठीक है। तो आप यहां पर देख सकते हैं और मैं आपको ये भी दिखाऊंगा कि यहां पर हमें कितना प्रॉफिट देखने को मिला है और यहां पर मुझे कितना लॉस देखने को मिला है और मुझे क्यों लॉस देखने को मिला है वो भी हम जानेंगे, ठीक है। और इसी के साथ में आप जानते हैं कि अब इस समय जो शेयर बाजार है वो डाउन होते ही जा रहा है, और पहले भी ऐसा नहीं है कि पहले नहीं हुआ है शेयर बाजार में, क्योंकि 4 साल पहले भी जो शेयर बाजार है वो डाउन हुआ था, ठीक है। और वो क्यों हुआ था, कितने INAV से कितने INAV तक यहाँ पर डाउन हुआ था वो हम जानेंगे म्यूचुअल फंड के जरिए, ठीक है। तो चलिए जान लेते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पर म्यूचुअल फंड पे सिंपली क्लिक करता हूँ, म्यूचुअल फंड पे सिंपली क्लिक करने के बाद मैं यहाँ पर कोई भी म्यूचुअल फंड ले लेता हूँ, ठीक है। क्योंकि ऐसा नहीं है कि कोई भी हम म्यूचुअल फंड लेते हैं, जैसे कि मैं यहाँ पर कॉन्ट्रा के ले लेता हूँ, कॉन्ट्रा के। जैसे कि मैंने यहाँ पर म्यूचुअल फंड ले लिया है, उसके बाद मैं यहाँ पर स्क्रॉल करता हूँ, ठीक है। जैसे कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ पर जैसे कि आप देख पा रहे हैं ये 3 साल का यहाँ पर डाटा दिखा रहा है, ठीक है। और अभी आप यहाँ पर देख सकते हैं जो कि लगभग मुझे लग रहा है 440 की NAV है, जो कि आप यहाँ पर देख भी पा रहे हैं लाइव, ठीक है। 440 की जो NAV है वो डाउन ही के, ठीक है। तो मैं जैसे कि यहाँ पर एक मंथ कर देता हूँ, आज यहाँ पर जो NAV रही है वो रही है 403। तो आप समझ सकते हैं जो 37 NAV है वो यहाँ पर डाउन हो चुका है, ठीक है। अब यहाँ पर हम बात कर लेते हैं जैसे कि 5 साल में सिलेक्ट करते हैं, तो 4 साल पहले जैसे कि अभी आप यहाँ पर देख पा रहे हैं ये डाउन जाते जा ही रहा है, ठीक है। पर यहाँ पर भी आप देख सकते हैं जो कि लगातार यहाँ पर डाउन होते गया था, ठीक है। आप देख सकते हैं करीब यहाँ पर लमसम 111 के समथिंग यहाँ पर NAV थी, ठीक है। और उसके बाद में जब NAV यहाँ पर डाउन हुई थी वो हुई थी 77 NAV यहाँ पर रह गई थी। तो आप समझ सकते हैं लगभग आधे आधे का यहाँ पर फर्क पड़ गया था, ठीक है। तो यहाँ पर इतनी NAV यहाँ पर गिर गई थी, ठीक है। तो ये 4 साल पहले हुआ था, ठीक है। अब ऐसे में ये अगर ऐसे ही आधे आधे पे ये हो गया, ठीक है, जैसे कि आप जानते हैं कि 440 थी, अब यहाँ पर 220 ही रह जाए NAV, तो कहने का मतलब है तो हमारा तो इसमें काफी ज्यादा लॉस हो जाएगा। 220 यहाँ पर जोड़ लेते हैं तो यहाँ पर लमसम ये ग्राफ पड़ रहा है, ठीक है, यानी कि यहाँ पर ये ग्राफ आ जाएगा, ठीक है, इतना कहीं। तो क्या ऐसा हो सकता है कि NAV कितनी हद तक डाउन जा सकती है किसी भी म्यूचुअल फंड की या फिर SIP की, ठीक है। SIP म्यूचुअल फंड एक ही बात है, क्योंकि कोई भी म्यूचुअल फंड सही उसी म्यूचुअल फंड में आपने पैसों को निवेश कर रखा है। और वैसे कि मैं आपको यहाँ पर कॉन्ट्रा के बता रहा हूँ, ठीक है। अब इस समय आप कोई सा भी म्यूचुअल फंड ले लें, उसकी जो NAV है वो डाउन ही होते जाते देखने को मिलेगी, ठीक है। अब यहाँ पर ऐसा है कि अगर आप चाहे तो पैसे को विड्रॉल कर सकते हैं, ठीक है। और जो कि पहले से ही जिन लोगों के पैसा हो गया है कि 1 साल से ऊपर हो गया है, 2 साल हो गए हैं, 3 साल हो गए हैं, ठीक है, तो वो यहाँ पर अपने पैसे को विड्रॉल कर सकते हैं। ये सबसे अच्छा तरीका है, और मैंने आपको बताया भी है कि मैंने भी इसमें पैसा अपना विड्रॉल ही किया था, ठीक है। पर उसके बाद यहाँ पर हुआ क्या था, ठीक है, मैं आपको यहाँ पर पूरी बात बता देता हूँ। जैसे कि जैसे ही यहाँ पर शेयर बाजार में उछाल देखने को मिला था, तो यहाँ पर जो NAV थी वो उठने लगी थी, ठीक है। तो लोगों को लगा कि नहीं भाई बस इतना ही गिर गया, पर अब यहाँ पर यानी कि जो म्यूचुअल फंड है यानी कि इस समय जो NAV है वो सस्ती है, ठीक है। पर NAV सस्ती है तो वहां पर काफी लोगों ने अपना पैसा इसमें निवेश भी किया, ठीक है। पर यहाँ पर जिन्होंने लमसम अमाउंट किया यानी कि एक ही बार में उन्होंने पैसा निवेश कर दिया, तो उन्हें यहाँ पर लॉस देखने को मिल गया है अब लगातार, ठीक है। तो क्योंकि अब या फिर हो सकता है आपने 6-7 महीने पहले ही पैसे को निवेश किया हो तो, पर आपको यहाँ पर लॉस देखने को मिल रहा है, तो आपको यहाँ पर डरने की जरूरत नहीं है। अगर आपका 1 साल हो गया है, ठीक है, तो आप यहाँ पर पैसे को निकाल सकते हैं अगर आपको प्रॉफिट देखने को मिल रहा है तब, ठीक है। और जब उसके बाद में शेयर बाजार ऊपर की तरफ चलने लगे, उठने लगे, हर दिन उछाड़ देखने को मिले, तब आप अपना पैसा इसमें निवेश करें। इसी के साथ में SIP, अब SIP वालों पर तो मुझे लगता है कोई फर्क ही नहीं पड़ता है, ठीक है, क्योंकि अगर वो SIP यहाँ पर कर रहा है तो जैसे कि महंगी होगी NAV तो वो महंगी NAV खरीदेंगे, और जो कि सस्ती NAV होगी तो वो सस्ती NAV खरीदेंगे, ठीक है। तो SIP वालों को यहाँ पर डरना नहीं है, क्योंकि जितना ग्राफ गिर रहा है नीचे की तरफ तो उन्हें तो समझो प्रॉफिट ही प्रॉफिट है, क्योंकि उन्हें यहाँ पर जो सस्ती NAV यहाँ पर खरीदना है, ठीक है। तो आप ज्यादा से ज्यादा NAV को खरीदें, ठीक है, क्योंकि अगर आज NAV सस्ती है तो कहने का मतलब है कल NAV ऊपर यानी कि हाई होगी यानी कि महंगी होगी। तो यहाँ पर जैसे कि मैं यहाँ पर सिंपली क्लिक कर रहा हूँ 5, ठीक है, तो कहने का मतलब आप देख सकते हैं यानी कि जो गिरा है वो एकदम तेजी से गिरा है, ठीक है।
फिर यहाँ पर देख सकते हैं जैसे कि यहाँ पर था लगभग 12, 12 मान लेते हैं, ठीक है। तो 12 यहाँ पर कितने दिन में गया है, यानी कि एक मंथ, दो मंथ, अगस्त, लगभग 3 मंथ में यहाँ पर लमसम हुआ है रिकवर, ठीक है, जैसे कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, ठीक है। तो कहने का मतलब है अगर आप जो कि म्यूचुअल फंड में जिन लोगों ने लमसम अमाउंट यानी कि एक ही बार में पैसा निवेश कर दिया है, ठीक है, और उन्हें एक साल से ऊपर हो गया, तो वो यहाँ पर पैसे को विड्रॉल कर सकते हैं। विड्रॉल किस तरीके से करते हैं, इस पर मेरी पहली वीडियो बनी हुई है, उस वीडियो को आप देख सकते हैं। अब जिन लोगों ने अपना SIP चला रहा है तो उन्हें यहाँ पर देने की जरूरत नहीं है, वो SIP यहाँ पर करते रहे, ठीक है। और इसी के साथ में वो भी अगर SIP एक साल से ऊपर उनकी हो गई है, ठीक है, तो वो यहाँ पर विड्रॉल कर सकते हैं। इसी के साथ में उनके 11 मंथ पर तो यहाँ पर टैक्स लगेगा ही लगेगा 20%, ठीक है, इसी के साथ में 1% एग्जिट लोड लगेगा, ठीक है। तो ये चीज आप देख लीजिएगा कि आखिर आपके म्यूचुअल फंड की जो पॉलिसी है वो क्या कहती है, ठीक है। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि 3 मंथ की होती है जो कि एग्जिट लोड, ठीक है, जो कि एक साल से पहले पैसे को विड्रॉल करते हैं तब, ठीक है। तो वो चीज आप यहाँ पर देख सकते हैं, जैसे कि यहाँ पर हम बात कर लेते हैं, इसमें शायद एक साल के लिए होगा, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, यानी कि देख सकते हैं एग्जिट लोड 1% 1 ईयर, यानी कि एक साल से पहले पैसे विड्रॉल करते हैं तो आपको 1% पर एग्जिट लोड देना पड़ेगा, यानी कि 1% आपको एग्जिट लोड देना पड़ेगा, और आपको शॉर्ट टाइम 20% टैक्स पे करना पड़ेगा, और इसी के साथ में अगर आपका लॉन्ग टाइम होता है तो उसमें आपको 1,25,000 की छूट हो जाएगी, 12% आपको टैक्स पे करना पड़ेगा, ठीक है। तो आप यहाँ पर समझ सकते हैं, तो ये चीज है, ठीक है। तो आपको यहाँ पर टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, 4 साल पहले हुआ था और आप जानते हैं फिर ग्राफ उठा था और उसके बाद में फिर लोगों को यहाँ पर प्रॉफिट होते ही चला गया, बस 2-3 महीने की ही बात है, क्योंकि लगभग मुझे लग रहा है कि यहाँ पर 2 महीने तो यहाँ पर हो गए हैं, 2-2.5 महीने तो यहाँ पर हो गए हैं, यानी कि शेयर बाजार को डाउन होते ही, ठीक है, जैसे कि आप देख पा रहे हैं एक मंथ से यहाँ पर कितना डाउन होते चला गया है, ठीक है। तो आपको टेंशन लेने की यहाँ पर जरूरत बिल्कुल भी नहीं है, और आपके मन में किसी भी प्रकार का भी सवाल है, कोई भी कंफ्यूजन है, तो मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोस में।